हेलो फ्रेंड, नीटिंग डिज़ाइन में ये देखिए प्यारा सा टू कलर की डिज़ाइन, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिज़ाइन है। आप इसे किसी भी स्वेटर में बना सकते हैं, जैकेट में बनाइए, कार्डिगन पे भी बना सकते हैं, जेल स्वेटर पे भी अच्छा लगेगा। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी हमारी ये डिज़ाइन है। तो आइए आज के वीडियो में हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। ये देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 20-20 के मल्टीपल फंदे चाहिए, प्लस 2, उसमें 2 और ऐड कर देंगे तो ये डिज़ाइन हमारी सेट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसकी फर्स्ट रो। तो इसमें सबसे पहले हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। 1, 2 हमारे ब्लैक से, 1, 2, 3, 4 फंदे येलो, 1, 2, 3, 4 हमारे ब्लैक से, 1, 2 येलो, 1, 2, 3, 4 फंदे ब्लैक, 1, 2, 3, 4 हमारे येलो से। अब हम 2 ब्लैक से लेकर 4 येलो तक की डिज़ाइन पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे। ये देखिए, इन्हीं फंदों को मैंने बार बार रिपीट किया है तो हमारी डिज़ाइन इस तरह बनी है। और लास्ट में 4 येलो के बाद 2 फंदे जो हमारे एक्स्ट्रा थे उसे हम ये 2 फंदे ब्लैक से बनाएंगे। ये देखिए रो नंबर 2, इसमें हम ब्लैक फंदों को ये ब्लैक से बनाएंगे और जो येलो फंदे हमें जहाँ जहाँ दिखेंगे उन्हें हम येलो से बनाएंगे। तो इस तरह से सेम कलर, ब्लैक को ब्लैक और येलो को येलो करते हुए इस पूरी रो को बनाना है। तो हम आपको फिर बना करके दिखाते हैं। देखिए ब्लैक है तो इसे हम ब्लैक से करेंगे और येलो फंदों को हमें येलो से करना है। ये देखिए रो 2 मैंने सेम कलर बना लिया है। अब यहाँ से 2 ब्लैक और इधर के 2 ब्लैक कम हो जाएंगे और बीच में 6 फंदे ब्लैक के हो जाएंगे। और यहाँ भी 2 ब्लैक के साइड में 2 फंदे और इधर के 2, 6 हमारे ब्लैक के होंगे। तो कैसे करना है ये देखिए, रो नंबर 3, शुरू में हमारे ये 1, 2, 3, 4 हमारे ब्लैक से रहेंगे, 1, 2, 3, 4 फंदे येलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे ब्लैक, 1, 2, 3, 4 हमारे येलो, फिर हमारा ब्लैक कलर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ 4 फंदे ब्लैक के रहेंगे, इसके बाद 4 येलो 6 ब्लैक, 4 येलो 6 ब्लैक, ऐसे ही हम पूरी रो बनाएंगे। ये देखिए 4 येलो 6 ब्लैक, 4 येलो 6 ब्लैक करते हुए आएंगे तो लास्ट वाला हमारा 4 फंदे जो हैं वो ब्लैक के रहेंगे। और ये देखिए हमारी रो नंबर 4, इसमें भी हमें सेम कलर करना है। हर बार हमें बैक साइड से सेम कलर करना है। ब्लैक फंदों को ब्लैक से बनाना है और येलो फंदों को येलो से। तो देखिए मैंने येलो को येलो कर लिया और इस 6 ब्लैक को ब्लैक। तो इस तरह से सेम कलर करते हुए इस पूरी रो को बना करके फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए रो 4 मैंने सेम कलर बना लिया है तो हमारी डिज़ाइन ये इस तरह से बन गई है। अब ये हमारी रो नंबर 5 आ गई है। इसमें सबसे पहले हमारा 1, 2 फंदे येलो के रहेंगे और इसके बाद हमारा ब्लैक कलर 1, 2, 3, 4 हमारे ब्लैक से हो गए, 1, 2, 3, 4 फंदे येलो, 1, 2 ब्लैक, 1, 2, 3,
4 yellow, 1, 2, 3, 4 फंदे black. तो ये देखिए एक डिज़ाइन हो गई. अब हम इस 2 yellow से लेकर इस 4 black तक की डिज़ाइन को पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे. ये देखिए जब इन्हीं फंदों को हम रिपीट करते हुए आएंगे तो लास्ट में हमारे 2 फंदे येलो के रहेंगे और बैक साइड से रो 6 हमारी सेम कलर रहेगी. येलो को येलो और ब्लैक को ब्लैक कलर से ही बनाना है. तो इस तरह से ये मैं दिखा रही हूँ. ये देखिए रो 6 मैंने सेम कलर बना ली है और हमारी डिज़ाइन ये इस तरह से कितनी खूबसूरत बन रही है. तो आइए अब हम देखते हैं रो नंबर 7. ये देखिए रो 7 में हम पहले ब्लू येलो कलर लेंगे. ये 1, 2, 3, 4 फंदे येलो, 1, 2, 3, 4 हमारे ब्लैक से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे येलो से हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 हमारे ब्लैक, 1, 2 फंदे येलो. तो ये देखिए एक डिज़ाइन हो गई. अब हम 4 येलो से लेकर इस 2 येलो तक की डिज़ाइन पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे. ये देखिए जब मैंने इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट किया है तो यहाँ पे शुरू में हमारे 4 फंदे येलो के थे, उसके बाद 4 ब्लैक 6 येलो, 4 ब्लैक 6 येलो, 4 ब्लैक 6 येलो पूरी रो हमारी बनी है और लास्ट में 4 ब्लैक के बाद 4 फंदे येलो के हैं. तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन ये बनी है. और ये देखिए बैक साइड से रो नंबर 8, इसमें हमें सेम कलर करना है. ये येलो फंदों को येलो से करना है और ब्लैक फंदों को ब्लैक से. तो मैं बना करके फिर दिखाती हूँ. ये देखिए रो 8 मैंने सेम कलर बना लिया है. अब हम रो नंबर 9 पे हैं. तो इसमें सबसे पहले हमारा ब्लैक कलर आएगा, 1, 2 फंदे ब्लैक, 1, 2, 3, 4 येलो, 1, 2, 3, 4 हमारे ब्लैक से. अब फिर हमारा येलो, 1, 2 येलो, 1, 2, 3, 4 फंदे ब्लैक, 1, 2, 3, 4 हमारे येलो से. तो ये देखिए अब हम 2 ब्लैक से लेकर 4 येलो तक की डिज़ाइन को पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे. ये देखिए जब इन्हीं फंदों को हम रिपीट करते हुए आएंगे तो लास्ट में 4 येलो के बाद 2 फंदे हमारे ब्लैक के रहेंगे. और ये देखिए बैक साइड से रो नंबर 10 में हमें सेम कलर करना है. जहाँ जहाँ हमारे ब्लैक फंदे हैं उनको ब्लैक से बनाना है और येलो फंदों को येलो कलर करते हुए इस पूरी रो को बनाना है. ये देखिए रो 11, जिसमें शुरू में ये 1, 2, 3, 4 हमारे ब्लैक से, 1, 2, 3, 4 येलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे हमारे ब्लैक के, 1, 2, 3, 4 येलो, 1, 2 फंदे ब्लैक. अब हम इस 4 ब्लैक से 2 ब्लैक तक की डिज़ाइन को बार बार रिपीट करेंगे. ये देखिए इसी 20 फंदों की डिज़ाइन को जब मैंने बार बार रिपीट किया है तो शुरू में हमारे 4 फंदे ब्लैक के हैं, इसके बाद 4 येलो, 8 ब्लैक, सॉरी ये 6 ब्लैक है, फिर 4 येलो, 6 ब्लैक, 4 येलो, 6 ब्लैक, 4 येलो, 6 ब्लैक, और जब रो की लास्ट में आई हैं तो 4 फंदे हमारे ब्लैक के रहेंगे. और ये देखिए बैक साइड से रो नंबर 12, इसमें भी हम ब्लैक फंदों को ब्लैक और येलो को येलो सेम कलर करते हुए इस पूरी रो को बनाएंगे. तो
तो यहाँ फोर येल्लो को येल्लो करेंगे, सिक्स ब्लैक को ब्लैक, फिर फोर येल्लो को येल्लो, सिक्स ब्लैक को ब्लैक, इस तरह से ये पूरी रो हमारी बनेगी। ये देखिए रो फोर 13 में सबसे पहले 1, 2 फंदे येल्लो, 1, 2, 3, 4 हमारे ब्लैक से, 1, 2, 3, 4 येल्लो, 1, 2 फंदे ब्लैक, 1, 2, 3, 4 येल्लो, 1, 2, 3, 4 हमारे ब्लैक सी। तो ये देखिए 20 फंदे हो गए। अब इस 2 येलो से लेकर 4 ब्लैक तक की डिज़ाइन को हम पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे। ये देखिए इन्हीं फंदों को जब रिपीट करते हुए आएंगे तो लास्ट में 4 ब्लैक के बाद 2 फंदे हमारे येलो के रहेंगे। ये देखिए रो 14 में भी हमें सेम कलर करना है, जहाँ जहाँ हमारे ब्लैक फंदे हैं उनको ब्लैक करेंगे और येलो फंदों को येलो कलर करते हुए इस पूरी रो को बनाएंगे। ये देखिए रो 15 जिसमें हमारा पहले ब्लैक कलर आएगा, 1, 2, 3, 4 फंदे ये ब्लैक के हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 येलो। अब इसके बाद हमारा ब्लैक कलर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे ब्लैक, 1, 2, 3, 4 येलो। तो शुरू में हमारे 4 फंदे ब्लैक के रहेंगे, उसके बाद 4 येलो, 6 ब्लैक, फिर 4 येलो और फिर हमारे 6 ब्लैक, इस तरह से ये पूरी रो हमारी बनेगी। ये देखिए ये 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, फिर 4 फंदे येलो के, 1, 2, 3, 4 येलो, फिर 6 फंदे ब्लैक। तो इस तरह से पूरी रो बना करके फिर हम दिखाते हैं। ये देखिए 6 ब्लैक 4 येलो करते हुए जब आएंगे तो लास्ट में 4 येलो के बाद हमारे 4 फंदे ही ब्लैक करेंगे। स्टार्टिंग में भी देखिए 4 फंदे ब्लैक के थे और लास्ट में भी 4 फंदे ब्लैक, और बीच में हर बार हमारे 6 फंदे हैं। और ये देखिए रो नंबर 16, इसमें भी हमें बैक साइड से सेम कलर करना है, 6 ब्लैक को ब्लैक और 4 येलो को येलो कलर करते हुए इस पूरी रो को बनाना है। ये देखिए रो 16 तक हमारी ये डिज़ाइन बन गई है, और इसके बाद हम रो नंबर 1 से लेकर के रो नंबर 16 तक की डिज़ाइन जब बार बार रिपीट करेंगे तो ये देखिए हमारी इस तरह से डिज़ाइन बन के आएगी। ये देखिए इसी डिज़ाइन को जब मैंने बार बार रिपीट किया है तो कितनी खूबसूरत हमारी ये डिज़ाइन बन कर के आई है, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।